Chalo ji, good morning. So let us revise the first chapter. Today we will complete it. ठीक है, सबसे पहले ऑडिट की डेफिनेशन क्या थी? सबने बोलना है ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर वेयर सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट, नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेज ऑफ अनदर पर्सन और अनबायस्ड. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या, जहां से एंट्री होती है वहां से लेके जब बैलेंस शीट बनती है वहां तक की चेकिंग होती है. ठीक है, एंटिटी प्रॉफिट कमाती हो या वो एनजीओ हो, उसका साइज बड़ा हो या छोटा हो, वो कंपनी हो, एलएलपी हो, एचएएफ हो, पार्टनरशिप हो, क्या इस बात से ऑडिटर को कुछ भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. ऑडिटर तो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे करनी है चेकिंग और उसे अपनी क्या देनी है? ओपिनियन देनी है. कहां लिखता है वो अपनी ओपिनियन? ऑडिट रिपोर्ट में. ठीक है, ओपिनियन होनी कैसी चाहिए? ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए ओपिनियन. ट्रू एंड फेयर किस पे बेस्ड? डीआरबी, वेदर डिस्क्लोजर्स आर मेड और नॉट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड और नॉट, और पी पॉलिसीज जो यूज करी है वो एक्सेप्टेबल और कंसिस्टेंट है या नहीं है. ठीक है, हमें पता है ओपिनियन ट्रू एंड फेयर होती है, ना कि ट्रू एंड करेक्ट होती है. 100% अश्योरेंस ऑडिटर वाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ऑडिट में क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं. ऑडिट जब करने ऑडिटर आएगा, कुछ ऐसी कमियां हैं जो ऑडिट से बाहर नहीं करी जा सकती, जिसकी वजह से ऑडिटर कैसी अश्योरेंस देता है और कैसी नहीं? रीजनेबल अश्योरेंस देता है और 100% अश्योरेंस नहीं देता. ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देता है, ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन नहीं देता. ठीक है, वो आएगा, चेकिंग करेगा, वेरीफाई करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और चला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिटर को 5 बातों से खुद को सैटिस्फाई करना होता था. क्या क्या थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय एविडेंस. याद नहीं किया ना, उसके मुंह से नहीं निकल रहा है जिसको याद नहीं है, घर जाके याद करना है. बुक्स, एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय एविडेंस, नो ओमिशन वाइल कंपाइलेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो बात, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस पिक्चर और ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, गिव ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अकाउंट्स. अब बात आती है ऑडिट करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक कैसा ऑब्जेक्टिव? ओवरऑल. एक कैसा? एक ओवरऑल क्या था? गिव एन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और अपनी ओपिनियन रिपोर्ट में देगा. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिपोर्टिंग करना. रिपोर्टिंग में क्या बताओगे? ओपिनियन. ओपिनियन कैसी होगी? किस पर बेस्ड होगी? डीआरपी पे. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर. ऑडिटर क्या होता है क्या नहीं? वॉचडॉग होता है, ब्लड हाउंड नहीं होता. क्या कंपनीज एक्ट भी बताते हैं ऑडिटर फ्रॉड को लेके क्या करना? यस. स्टैंडर्ड्स भी बताते हैं क्या? यस, स्टैंडर्ड्स भी बताते हैं. क्या हर बिजनेस एंटिटी के लिए ऑडिट कराना कंपलसरी होता है? किसके लिए? कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है. क्या बाकी लोग भी करा सकते हैं? क्यों करा सकते हैं बाकी लोग? क्योंकि ऑडिट कराने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं. अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड होंगे तो आपको कुछ ऐसी एडवांटेजेस मिलेंगी जो हम बताएंगे. 3, 4 स्क्वायर और 2 बबल्स. 3 सर्कल्स क्या थे? मैनेजमेंट, इंप्लॉई और बुक्स. क्या होता है? सेफ गार्डेड रहता है इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट. मॉरल चेक रहता है किस पे? इंप्लॉइज पे. बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रॉपरली केप्ट. पहला स्क्वायर, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, नेगोशिएटिंग, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. बबल में पहला, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज, सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ. ठीक है, ये हमारी आ गई एडवांटेजेस. क्या ऑडिट, इकलौता ऑडिट के बारे में नॉलेज होने से काम चलेगा? नहीं. तो मैं फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए. कौन से? अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ, स्टैट्स. इंटर के कौन से दो? एफएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी. फिर उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड 3, बिजनेस ऑपरेशंस, प्रोडक्शन और बिहेवियरल साइंस. लास्ट के 2,
लॉजिक और लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑडिट करने का स्कोप, देखो ऑडिट में सबसे बड़ा चैलेंज इज ओनली वन थिंग, दैट इज लर्निंग। सिर्फ एक बड़ा चैलेंज है कि क्या मुझे सारे टॉपिक्स लर्न है, पेपर चैलेंजिंग नहीं होता, यहां लर्निंग चैलेंजिंग है, और वो साथ साथ कर लोगे ना तो वो चैलेंज खत्म हो जाएगा कि हाँ जैसे जैसे रिवाइज कर रहे हैं वो हमें याद हो रहा है। जहां तुम्हारा एक चैप्टर पीछे हुए तुम धीरे धीरे पीछे होना शुरू कर दोगे। सो इस चीज में लैक नहीं होनी चाहिए कि हम लर्न कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें लर्न है, और लर्न करने का कोई ना कोई तरीका हमें बनाना पड़ेगा। सो उस तरीके के साथ लर्न करना है, अपने आप पॉइंट्स लर्न करने की कोशिश करोगे कि बस मुझे तो समझ आ गया लर्न कर लेता हूं, नहीं हो पाएगा। अब स्कोप में भी हमें पता है कि किस हद तक ऑडिटर को काम करना है, लेकिन उसके लिए हमारा एक लर्निंग फ्रेमवर्क जरूरी है। ऐसे ऐसे दो और ऐसे दो, इस फ्रेमवर्क के साथ हमें चलना पड़ेगा, तभी हमें एंड तक जाके, मैम जरूरत क्या है समझ आ गया, पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लेंगे, एंड तक जाके सारी चीजें रिटेन रखनी है तो ये करना जरूरी है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, किस हद तक ऑडिटर काम करेगा, ही हैज टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स एडुकेटली ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद उसे क्या स्टडी करना है और इवेल्युएट करना है, इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम को, उसको स्टडी और इवेल्युएट करने के लिए जो भी टी टेस्ट, जो भी ई इंक्वायरीज और जो भी वी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो करेगा। राइट साइड में उसे क्या करना है, कंपेयर करना है किस किस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स को। जब अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होंगे तो किसकी जजमेंट्स लगी होंगी, मैनेजमेंट्स की, तो क्या उसे जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट भी देखनी है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, तो लेफ्ट के भी हो गए राइट के भी। नीचे ऑडिटर आपको अपने स्कोप से बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके स्कोप के विद इन काम करने पे कोई भी क्या लगा रहा है, कॉन्स्ट्रेंट लगाई जा रही है, तो आप क्या यूज करना, अपना हथियार यूज करना, अपनी रिपोर्ट में आप लिख देना, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की रिपोर्ट है जो बाद में करेंगे। क्वालिटीज क्या क्या थी ऑडिटर की, सी सी टी टी जे के एल आई ओ आई सी सी कम्युनिकेशन स्किल, टी टेक्निकल स्किल, टी टैक्टफुल, जे जजमेंट, के एल लैंग्वेज। कौन से थे वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो पूरे ऑडिट को गवर्न करते थे, डिस्कोप पेयर, डी डॉक्यूमेंटेशन, आई आई ओ आई, एस स्किल एंड कॉम्पिटेंस, सी कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, पी ए ऑडिट एविडेंस, आई इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल चेक होता है, इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा है तो क्या हमें लगता है बाकी चीजें भी अच्छी होंगी, यस, क्योंकि वो पहला स्टेप होता है, और लास्ट में आर रिपोर्टिंग। इंडिपेंडेंस जरूरी है ऑडिटर की, क्योंकि यही बेस है ऑडिटिंग का। क्या होगा अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा, रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। कौन कहता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कहता है, और कंपनीज एक्ट भी कहता है। कुछ ऐसी कंडीशंस बताओ जो अगर तुम्हें मेरे एंटिटी में दिख रही हैं तो तुम्हें लगेगा यहां तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, यहां तो गलती होने के इंपॉर्टेंट चांसेस ज्यादा हैं। वीकनेस है मेरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, गलती होने के चांसेस मेरे यहां, मेरे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी और मेरे मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस पे अगर तुम्हें डाउट हो गया तो गलती होने के चांसेस। मेरे एंटिटी में कोई अनयूजुअल प्रेशर है, मेरी एंटिटी के साथ कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है, गलती होने के चांसेस। जब भी तुम सबूत इकट्ठे करने आते हो तुम्हें सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पाता, यानी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इन सबूतों को इकट्ठा करने में, तो गलती होने के चांसेस। जब मैम सबूत ही नहीं मिल रहा, जब भी मैं तुमसे टेस्ट लेना चाहती हूं तुम टेस्ट देते ही नहीं, या तुम टेस्ट देते हो और तुम्हारे मार्क्स गलत आते हैं, तो मैं क्या कहूंगी कि यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है कि ये पास होंगे या नहीं होंगे। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई। उसके बाद आया, याद है एस्पेक्ट्स कैसे लर्न किए थे, स्कोप से निकला था कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे एस्पेक्ट्स को एडुकेटली कवर करना है। कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो और बीच में तीन, कौन से, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, साथ साथ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर तीन बातें कौन सी थी, चेकिंग द रिजल्ट ऑफ पीएनएल का रिजल्ट जब चेक कर रहे हो तो देख लेना
कैपिटल नेचर कैपिटल में हो, रेवेन्यू नेचर रेवेन्यू में हो. और जब ये देख लिया तो वेरीफाई कर लेना क्या असेट्स एंड लाइबिलिटीज को, और ऑथेंटिकेशन और वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन को भी चेक कर लेना. लास्ट के दो, अगर स्टैट्यूटरी बॉडी का ऑडिट कर रहे हो तो सारे रूल्स को चेक कर लेना, और लास्ट में क्या कर देना, रिपोर्टिंग कर देना. ये हमारे आ गए एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट. स्टेटमेंट्स और गाइडेंस नोट्स कौन से मैंडेटरी होते थे? क्या कुछ स्टेटमेंट्स रिकमेंडेटरी भी होते हैं? अगर आपने इन्हें फॉलो नहीं किया तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्यों फॉलो नहीं किया और कितनी डेविएशन करी है. व्हाट आर गाइडेंस नोट्स? क्या ये सिर्फ तुम्हें एक डायरेक्शन देने के लिए आते हैं, असिस्टेंस देने के लिए आते हैं, हेल्प देने के लिए आते हैं? यस. क्या गाइडेंस नोट्स जनरली रिकमेंडेटरी होते हैं? यस, दे आर रिकमेंडेटरी. क्या कुछ गाइडेंस नोट्स मैंडेटरी भी होते हैं? यस, कुछ गाइडेंस नोट्स मैंडेटरी भी होते हैं. ऑडिटर तुम्हें क्या रहना है? इंडिपेंडेंट रहना है. कहां से और कहां से? अपीयरेंस से. लेकिन इसके इंडिपेंडेंस में ना बहुत सारे क्या आ जाते हैं? थ्रेट्स आ जाते हैं. कौन से? सेल्फ रिव्यू, सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटीमिडेशन. ये चार पांचों तरीके के क्या हैं? थ्रेट्स जो मेरी इंडिपेंडेंस पे आते हैं. काम मैंने किया है और मुझे ही चेक करना है. सेल्फ रिव्यू. मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है? सेल्फ इंटरेस्ट. मैं तुम्हारे ऑडिट कर रहा हूं, मुझे तुम्हें एडवोकेट करना पड़ेगा? एडवोकेसी. मेरी तुमसे जान पहचान है तो गड़बड़ होने के चांसेस है. फेमिलियरिटी. ऑडिटर को डराया धमकाया जाएगा तो इंटीमिडेशन. लेकिन इनको सेफ गार्ड करने के लिए ऑडिटर के साथ क्या क्या करना चाहिए? एजुकेशन देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए. लेजिस्लेचर गवर्निंग इंडिपेंडेंस यानी कंपनीज एक्ट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर कैरिंग ऑडिट एंड अश्योरेंस एंगेजमेंट, और लास्ट दो, डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अनएथिकल बिहेवियर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बताता है, और लास्ट में पीयर रिव्यू. पहला कौन सा था? यह कम कम याद है. पहला एजुकेशन, सेकेंड लेजिस्लेशन यानी कंपनीज एक्ट, सेकेंड है कंपनीज एक्ट, थर्ड ऑडिट है. ऑडिट कौन सा? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. देखो यहां लॉ, यहां ऑडिट, और यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में क्या था? डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है. और लास्ट में पीयर रिव्यू. पहले आएगा हमारा एजुकेशन और लास्ट में आएगा हमारा पीयर रिव्यू. बीच में लॉ है यानी लेजिस्लेचर, स्टैंडर्ड्स है यानी ऑडिट, और थर्ड डिसिप्लिनरी एक्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का, ठीक है. उसके बाद क्या आया हमारे पास? उसके बाद आया इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. ऑडिट कर रहा हूं तो कैसी अश्योरेंस दूंगा, कैसी नहीं? रीजनेबल अश्योरेंस दूंगा, 100% अश्योरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि ये कमियां हैं जो ऑडिट करते वक्त मैं फेस करता हूं. अब सिर्फ हेडिंग्स बतानी है अभी. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, और लास्ट अदर मैटर्स दैट अफेक्ट लिमिटेशन. जरा दोबारा बताओ, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से निकालो, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, अदर मैटर्स दैट अफेक्ट्स लिमिटेशन. पहले पॉइंट में क्या था? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जजमेंट्स होती हैं दोनों लोगों की. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जब मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए तब भी जजमेंट लगाई होगी, और जब ऑडिटर चेक करने आता है तब भी वो जजमेंट लगाता है. तो क्या एक ह्यूमन की जजमेंट गलत जा सकती है? हाँ. तभी क्या कहा जाता है कि हम 100% अश्योरेंस नहीं देते. बताओ टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइम कम होता है तो क्या सारी ट्रांजैक्शन चेक कर सकती हूं? नहीं. तो हम सैंपलिंग करते हैं. कॉस्ट और बेनिफिट, कभी कभी कॉस्ट ज्यादा बेनिफिट कम, तो हम क्या कर जाते हैं? मैनेज कर जाते हैं. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जब तुम मेरे यहां आके ऑडिट के प्रोसीजर्स लगाओगे तो जो सबूत मैं तुम्हें दूंगी ना वो तुम्हें ये तो कर देंगे, क्या कर देंगे? तुम्हें परसुएट तो कर देंगे कि जो मैम कह रही हैं वो सही है, लेकिन क्या वो 100% कंक्लूसिव एविडेंस है? नहीं. और लास्ट अदर मैटर्स दैट अफेक्ट लिमिटेशन में क्या था? FRN. अगर फ्रॉड किया है मैंने यानी सीनियर लेवल मैनेजमेंट ने, अगर ट्रांजैक्शन कैसी है?
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और अगर मैंने लॉ और रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं किया तो एक ऐसी लिमिटेशन बस गई जो तुम ऑडिट से निकाल नहीं सकते। तो ये चार क्या आ गए थे हमारे पास, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। लास्ट हमने किया था एक स्टैंडर्ड, इसके बाद हमने किया था एक स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल। इससे पहले मुझे कुछ एमसीक्यूज के बारे में बताओ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी है या मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की। अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें पता है अकाउंटिंग पॉलिसीज में और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या, किसी को पता है FAA क्या होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूअल बेसिस, क्या होती हैं ये अजम्पशंस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अंडरलाई करती हैं, मतलब ये तीनों चीजों को आपको फॉलो करना ही करना है। क्या सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको फॉलो करना होता है, नहीं, जो आप पे लगती हैं आप उन्हें फॉलो करते हो प्रिपरेशन के टाइम, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, अब मुझे ये बात ना, ये वाले पॉइंट्स ना इनहेरेंट लिमिटेशन के साथ ही यहीं पर लिख लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 100% अश्योरेंस नहीं देते, कैसी देते हैं, क्योंकि इनके बीच में कौन आ जाता है, इनके बीच में कौन आ जाती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। अगर इनहेरेंट लिमिटेशंस ना होती ना तो हम 100% अश्योरेंस दे देते। ठीक है, आप बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, AS1 क्या कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या है AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कुछ आइडिया है, जो भी पॉलिसी हम फॉलो करेंगे वो हमें क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। क्या सारी पॉलिसीज जो हमने फॉलो करी है वो एक जगह डिस्क्लोज होंगी, यस वो एक जगह डिस्क्लोज होंगी। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनेंगी, यस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनेंगी। तो मैंने तुम्हें क्या कहा, जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हो वो अकाउंटिंग पॉलिसी को लिखना है। अब बताओ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हमारी तीन है, क्या इन तीनों को भी डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, होती है। तो अगर तुमने फॉलो नहीं करी, लेट से तुमने गोइंग कंसर्न पे नहीं बनाए तो तुम्हें बताना है, दैट मींस फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं करना ही नहीं है। लेकिन अगर तुमने किसी भी FAA के खिलाफ जाके अपने अकाउंट्स बनाए हैं तो आपको बताना है कि मैंने FAA को फॉलो नहीं किया। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज सारी बतानी है जो आपने फॉलो की है एक जगह पे, और FAA फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन तो आपको बतानी नहीं, माना जाएगा कि आपने इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अपने अकाउंट्स को बनाया है। लेकिन अगर आपने लेट्स से अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनाया, आपने गोइंग कंसर्न ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया, तो आप बताओगे कि मैंने ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को यूज नहीं किया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आप बताओ जरा 220 में क्या बातें आई थी कि ऑडिटर आप आओगे, आप कौन हो, एंगेजमेंट पार्टनर, आपकी टीम कौन है, एंगेजमेंट टीम। तो आप जब आओगे ना तो आप अपनी क्वालिटी पे चेक रखना, क्या था लहर, ऑडिटर आप कैसे होने चाहिए, हो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, ई एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब एथिकल में, IOI प्रोफेशनल केयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसके बाद एच ऐसे चुनना जो स्किलफुल हो, ठीक है, जो कंपीटेंट हो, जो ट्रेनिंग दे सको, जिनके साथ आप अच्छे से काम कर सको, ई टाइम टू टाइम उन्हें क्या करना है, आपने मॉनिटर करना है, देखना है कि वो सही से जो बताया गया है काम कर रहे हैं या नहीं। एक बार आपने किसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी गंदी क्वालिटी की वजह से आप हटने नहीं चाहिए, एक बार आप आ गए तो आप वहां पर कंटिन्यूड रहने चाहिए, सारे काम को मॉनिटर करो, और लास्ट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे अगर 4 मार्क्स का नोट आता है तो क्या लिखोगे, सबसे पहला क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, आप हमेशा अलर्ट होने चाहिए, आप हर ऑडिट एविडेंस जो भी सबूत मैं तुम्हें दूंगी ना तुम शांति से उसे पकड़ के बैठ नहीं जाओगे, तुम क्या करोगे कि क्या मैम ने जो सबूत दिया है ये भी सही है या नहीं, उसको क्रिटिकली क्या करोगे, असेस करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
दो एविडेंस अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसने बताया मैम मेरे 230 मार्क्स आए थे, एक ने कहा उसके 200 मार्क्स आए थे, तो दो एविडेंस अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो आपको स्केप्टिक हो जाना है, ठीक है। आपको क्या नहीं करना, कोई कंडीशन अगर फ्रॉड को इंडिकेट कर रही है तो एकदम से स्केप्टिक हो जाओ। ओवरलुक मत करो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को, ओवर जनरलाइजिंग मत करो, और लास्ट में पास्ट एक्सपीरियंस हमेशा आपने साथ में रखना। अगर पास्ट एक्सपीरियंस में काम गड़बड़ था तो आज भी क्या रहो, स्केप्टिक रहो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज कौन सा है ये, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। इस चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक स्टैंडर्ड 210 और एक स्टैंडर्ड्स बनते कैसे हैं। बस ये स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद एक बार हम बुक से सारे चैप्टर को मैच करेंगे कि हमने क्या सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, आज चैप्टर वन को फिनिश करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है ये तुम्हें कौन बताएगा, ठीक है सैम वो कंफ्यूज हो गया, स्टैंडर्ड क्या कहता है ये तुम्हें कौन बताने आ गया है, अंतर्यामी जी आए हैं, क्या बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड 210 क्या कह रहा है, ठीक है। 210 क्या कहता है, सबसे पहला स्टैंडर्ड 200 था हमारा, 200 तो ना पूरे ऑडिट में चलता रहेगा, जब पूरा ऑडिट हो जाएगा ना तब 200 पे आएंगे, क्योंकि 200 में बेसिक बेसिक बातें लिखी हुई हैं जो तुम्हें तब तक सारी आ गई होंगी। 210 क्या कहता है, अंतर्यामी ने क्या कहा, सुन लो मेरी बात, ध्यान दे रहा हूं, क्या ध्यान दे रहा हूं कि ऑडिट फिक्स करने से पहले ना ये सब देख लेना। अब क्या हुआ, तुम नए नए अगर सीए बनते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे फटाफट क्या मिल जाए, ऑडिट करने के लिए मिल जाए, तो जो भी क्लाइंट तुम्हारे सामने आता है तुम क्या कहते हो, हाँ मैं आपको ऑडिट करने के लिए तैयार हूं, आपको जितना मन करे उतने पैसे दे देना, बट तुम्हें उस वक्त चाहिए क्या, ऑडिट चाहिए। लेकिन ये क्या ज्ञान दे रहे हैं कि ऑडिट कहीं पर भी जब तुम ये रिलेशनशिप बनाओ ना, इस रिलेशनशिप को बनाने से पहले चिंतामणि कुछ बातें हैं जो तुम्हें किससे पूछनी है, क्लाइंट से पूछनी है। इतनी हबड़ तबड़ मत रखना कि बस मुझे तो ऑडिट मिल जाए, ठीक है, क्या देखना, कुछ बातें पहले देखना और इस क्लाइंट से ये सारी बातें पूछ लेना और तभी ऑडिट करना। क्या कहता है, तभी करूंगा जब ये सारी बातें क्या होंगी, फुलफिल होंगी। मैं कोई ऐसे ही काम करने नहीं आऊंगा, मैं एक सीए हूं हैविंग अ सीओपी, मैं आपके यहां ऑडिट करने आ रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा, लेकिन आपका मैं एंगेजमेंट तभी लूंगा जब आप मुझे इन सारी बातों को लेकर सैटिस्फाई करोगे। ऐसे ही मैं आपका ऑडिट नहीं पकड़ने वाला हूं, ठीक है। चाहे तुम्हारे पास माइंड में चल रहा हो यार मेरे पास एक भी ऑडिट नहीं है क्या करूंगा, लेकिन फिर भी क्या दिखाना है, मैं आपका ऑडिट तभी करूंगा जब ये सारी बातें क्या होंगी, आप मेरे साथ अग्री करोगे, ठीक है। तो यहां क्या हमारा हेडिंग क्या है, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, किसको अग्री करनी है, क्लाइंट को अग्री करनी है। तुम मुझसे क्या कहते हो कि मैम अगर आप इन सारी बातों को लेके अग्री करोगे ना, देखो तुम नए नए ऑडिटर बने और तुमने क्या कहा, मैंने कहा कि तुम मेरा ऑडिट करना चाहते हो, तुमने क्या कहना चाहिए, हाँ मैम बिल्कुल कर लेंगे, यही कहोगे ना कि हाँ मैम बिल्कुल कर लेंगे, क्या कोई और है जो मुझसे कुछ और कहेगा, हाँ मैम ऑडिट करेंगे, लेकिन आपने ही पढ़ाया था 210 के अनुसार क्या है कि पहले आप इन टर्म्स के अनुसार हाँ करो तब जाके हम आपका ऑडिट करेंगे। सो कहीं भी ऑडिट करने से पहले क्लाइंट से क्या करा लेना है, कुछ टर्म्स को लेके अग्री करवाना है, ठीक है। सबसे पहली टर्म, अब तो जनरल बात आई, क्या एक फ्रेमवर्क रेडी है कि स्टैंडर्ड क्या बताना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड अंतर्यामी किसको गाइड कर रहे हैं, चिंतामणि, यानी सारी गाइडेंस आती किसके लिए, स्टैंडर्ड्स के थ्रू ऑडिटर के लिए। ऑडिटर आप जब भी ऑडिट करने जाओ ना ऐसे ही ऑडिट मत पकड़ लेना, अपनी कुछ इज्जत रखना, पहले ये बातें क्या करवाना, अग्री करवाना। 220 में अंतर्यामी ने क्या बताया था, ऑडिटर अपनी क्वालिटी पे क्या रखना, चेक रखना, ठीक है, क्वालिटी पे कंट्रोल रखना। यहां पे बता रहे किसी का भी ऑडिट यूं ही मत पकड़ लेना, पहले उससे सारी बातों को लेके अग्री करवाना, ठीक है। तो सबसे पहली क्या बात अग्री करानी है, तुम मुझसे कहोगे कि मैम जो आप पे FRF लगता है, व्हाट इज FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या होता है ये, आप किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हो, आपको शेड्यूल 3 में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है मैम, क्या आप उसी को फॉलो करते हो,
अगर मैम एक बैंकिंग कंपनी है तो मैम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका दिया हुआ है, क्या आप उसको फॉलो करते हो? अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो तो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो फॉर्मेट देती हैं उन्हें फॉलो करते हो? सो मैम जिस तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, क्या आपने उसी फ्रेमवर्क के अनुसार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं? देखो तभी मैं ऑडिट करने आऊंगा। अगर आपने जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से ही नहीं बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑडिट करने का कोई महत्व नहीं है। आपने तो बेसिक फॉर्मेट में ही क्या नहीं डाला, आपको इस फॉर्मेट में डालने थे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने इस फॉर्मेट में डाल दिए, मैं ऑडिट करने नहीं आऊंगा। पहले अपने फ्रेमवर्क के अंदर तो सेटल करो अपने स्टेटमेंट्स को। तो पहला पॉइंट क्या पूछा तुमने मुझसे कि मैम क्या आप एक्सेप्टेबल, जो आप पे लगता है क्या आप उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो? अगर आप एक कंपनी हो तो क्या कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है फ्रेमवर्क? यस, तो आपको क्या उसको फॉलो करना है? हाँ, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन या पहली एक्सेप्टेंस जो तुम्हें मुझसे चाहिए क्या कि मैम क्या आप एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या आप एक्सेप्टेबल FRF यूज करते हो? क्या आप एक्सेप्टेबल FRF यूज करते हो? मैंने कहा हाँ हाँ, कंपनी हूं, कंपनी एक्ट में जो फॉर्मेट दिया गया है मैंने उसी के अनुसार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया। तुमने कहा ठीक है मैम, एक पॉइंट मेरा ये हो गया। मैंने कहा अब तो ऑडिट कर लो, बात खत्म करो। क्या कहोगे? नहीं, अभी एक पॉइंट और है। क्या पॉइंट और है? एक्नॉलेजमेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी बताओ, तुम मुझसे क्या कहोगे कि मैम अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करो, मतलब मानो कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम मुझे से कह रहे हो, क्या कह रहे हो मुझसे कि मैम क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानने के लिए तैयार हो? मैं कहती हूँ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम कहते हो कि मैम क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर FRF बनाया है? मैं कहती हूँ हाँ। सेकेंड, मतलब क्या क्वेश्चन तुम मुझसे कर रहे हो? क्या ध्यान से सुनो, तुम क्या चाहते हो, इसको एनालिसिस करो कि तुम मुझसे ये पूछना चाह रहे हो, कह रहे हो कि मैम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना मानो। किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को? कि क्या आपने ऐसा इंटरनल कंट्रोल लगाया हुआ है सो दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बन के आए हैं वो फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर है। दैट मीन्स अगर एक छोटी सी बात कहें, मैम क्या आपने अपना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग रखा है? मैं क्या कहूंगी? ऑब्वियसली बात है हाँ, इस टाइम तो मैं हाँ ही कहूंगी। तो क्या तुम चेकिंग भी नहीं करोगे मेरे आंखें? करोगे ना। अभी तो तुम क्या कह रहे हो, मैम बस आप ना एक बार हाँ हाँ कर दो, बाद में अगर कुछ गलत निकला तो आपको पकड़ेंगे। लेकिन मैं आपका एंगेजमेंट तभी हाँ करूंगा जब इन पॉइंट्स को लेके आप यस 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 करोगे। अगर आपने किसी को भी लेके नो करा ना, मैं आपका एंगेजमेंट नहीं लूंगा। ठीक है, सो सबसे पहली बात तुमने मुझसे क्या पूछी थी कि मैम आप क्या यूज करते हो एक्सेप्टेबल FRF? मैंने कहा हाँ मैं यूज करती हूँ। सेकेंड, मैम अपनी जिम्मेदारियों को ना एक बार हाँ कर दो कि आपने ऐसा ऐसा किया है। पहला पॉइंट, आपने प्रिपेयर किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर FRF, आपका इंटरनल कंट्रोल ऐसा था, ध्यान से सुनना, आपका इंटरनल कंट्रोल ऐसा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के आए हैं वो फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर है। साथ में जब मैं आपके यहाँ चेकिंग करने के लिए आऊंगा ना मैम, तो आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस दोगे, कहीं मुझे रोक टोक नहीं करोगे। मैं जो चेक करना चाहूंगा ना मैम, आप मुझे वो क्या करने दोगे? चेक करने दोगे। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपसे चाहूंगा आप मुझे वो भी दोगे, और जिस भी बंदे से मैं मिलना चाहूंगा आप मुझे उससे मिलने दोगे। तुमने मुझसे तीन बातें कह दी यहां पर। क्या बातें कही? कि मैम जो इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा आप मुझे वो दोगे। आप ये नहीं कह सकते वो डॉक्यूमेंट तो कहीं और रखा है मैं आपको नहीं दे सकती। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी चाह रहा हूंगा ना, आप वो भी मुझे दोगे। और आपके इंस्टीट्यूट के जिस पर्टिकुलर इंसान से मुझे बात करने का मन होगा आप मुझे उससे करने दोगे। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मनोज के अलावा सबसे बात कर लो, हो सकता है मनोज को ही सारे आपके यहां के फ्रॉड बताओ, तो मैं हर बंदे से बात कर सकता हूं, आप मुझे रोक टोक नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप इन सब के साथ हाँ करते हो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका ऑडिट करने के लिए तैयार हूं। सो क्या ये कुछ प्री कंडीशंस थी जो तुमने मेरे सामने रख दी मेरा ऑडिट करने से पहले? क्या कहते हैं इन्हें हम, ये कैसी कंडीशंस हैं? प्री कंडीशंस हैं जो तुमने मेरा ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मेरे सामने रख दी। क्या क्या कंडीशन रखी? मैम क्या यूज करते हो एक्सेप्टेबल FRF, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करो। बताओ जरा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है इस पर FRF? क्या आपका इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रांग था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर? मैम जब मैं काम करने आऊंगा ना तो मुझे तीन चीजें देना,
सारी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एनी पर्सन इफ नेसेसरी. अगर जरूरत पड़ी तो जिससे भी मैं बात करना चाहूंगा आप उससे मुझे बात करने दोगे. अगर आप इन सारी कंडीशंस को लेके ओके हो ना मैम, तो मैं कल से आपके यहां ऑडिट करने आ जाऊंगा, ठीक है. लेकिन अगर आप इन सब कंडीशंस के साथ ओके नहीं हो तो मैं ऑडिट नहीं करूंगा. जरा इसे पढ़ो, क्या कहते हैं. क्या कहा ऑडिटर ने, अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, या फिर कोई भी आप मुझ पे लिमिटेशन लगाते हो एक्सेप्टेंस से पहले, जैसे जब तुम मेरे सामने सारी प्री कंडीशन रख रहे हो ना, मैंने क्या कहा कि देखो मैंने एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क यूज किया है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए भी एज पर एफआरएफ है, मेरा इंटरनल कंट्रोल भी बहुत स्ट्रांग था, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, मैं तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन तुम मेरे यहां किसी से बात नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें एक्सेस नहीं दूंगी किसी भी पर्सन का, ठीक है. क्या कर दिया मैंने, लिमिटेशन लगा दी तुम्हारे एक्सेप्टेंस से पहले ही. तुम क्या सोचोगे यार, मैम तो किसी पर्सन से ही बात नहीं करने देंगी हमें, हम नहीं करते मैम आपका ऑडिट, ठीक है. सो अगर कोई भी प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है या मैं किसी भी कंडीशन पे लिमिटेशन लगा रही हूं, तो तुम क्या नहीं करोगे, मेरा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे. मैम तो अभी मना कर रही है, बाद में जाके कौन से सबूत देने वाली है, हम आपका ऑडिट नहीं करते. क्लियर हो गई बात. क्या कहते हैं, नहीं एक्सेप्ट करूंगा अगर प्री कंडीशन है नहीं कोई, दैट मींस आपने एफआरएफ के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए नहीं, तो मैम आपने ऑडिट करने का कोई फायदा नहीं है. आपका इंटरनल कंट्रोल, मैं खुद ही कह रही हूं मेरे यहां ना इंटरनल कंट्रोल कुछ पता नहीं है, तुम आके देख लेना. तुम कहोगे जब इंटरनल कंट्रोल का ही मैम को नहीं पता, मैं तो नहीं जाऊंगा. और अगर मैंने एक्सेप्टेंस से पहले क्या लगा दी, कोई लिमिटेशन लगा दी ना, तब भी तुम क्या नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे. यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है. तो ये बात क्या आती है हमारी, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ, उसमें सबसे पहली बात क्या है, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, ठीक है. तो ये सबसे पहले क्या लिखनी है, याद करते करते ऑलमोस्ट अब याद है, पहला पेज लिखना है. इसमें देखो हमें चार बातें करनी है स्टैंडर्ड में, प्री कंडीशंस, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, रिकरिंग ऑडिट और एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट. इस स्टैंडर्ड में चार बातें हैं जिन चारों से अलग अलग केस स्टडी बनती है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. हाँ, प्रैक्टिकली सब फॉलो होता है कि आप ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा करोगे, सब फॉलो करना है तुम्हें. स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटर के लिए गाइडेंस है, सो मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर, आपको सबको क्या करना है, फॉलो करना है. फटाफट लिखो.
प्री कंडीशंस पे आ गए. चलें, हुआ ये प्री कंडीशंस. चलो जी, तो सबसे पहले तुमने मुझसे क्या पूछी कि मैम ये ना आपके यहां ऑडिट करने की मेरी कुछ प्री कंडीशंस हैं. ये बात तुमने मुझसे कर ली. मैंने तुम्हारी सारी प्री कंडीशंस को क्या कर दिया, ओके कर दिया कि कोई टेंशन की बात नहीं है. पहली बात, मैं एक्सेप्टेबल एफआरएफ को क्या करती हूं, यूज करती हूं. मैं अपनी जिम्मेदारियों को मानती हूं. क्या जिम्मेदारियां, कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनाए. मैंने इंटरनल कंट्रोल मेरा ऐसा था, अभी तो मैं कहूंगी, बाद में जाके पता चलेगा था या नहीं था. मेरा इंटरनल कंट्रोल ऐसा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड. मैं ना तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, मैं ना तुम्हें अनरिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगी, और जिससे भी तुम बात करना चाहोगे ना मैं तुम्हें करने दूंगी. तो तुम क्या कहते हो, 210 का पहला पॉइंट तो हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ. मैम ने ना सारी प्री कंडीशन को हां कर दिया है. अब तुम क्या कहोगे, मैम ठीक है, आप सारी प्री कंडीशन को क्या करते हो, अग्री करते हो. कल ना मैं आपको एक लेटर बना के भेजूंगा, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. मैं आपको क्या भेजूंगा, एक ऑडिट एंगेज होने का लेटर बना के भेजूंगा, जिसको आप क्या कर देना, साइन कर देना. उसमें मैं सारी डिटेल्स लिख दूंगा, आप उसे पढ़ लेना. सो ऑडिटर फ्यूचर में जाके तुम बनने वाले हो, तो क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है उसमें तुम क्या क्या लिखोगे. यस. सो पहला स्टेप क्या था, तुम आए ओरली मुझसे डिस्कस करके गए, मैम क्या क्या ये प्री कंडीशंस पे अग्री करते हो. मैंने कहा हाँ प्री कंडीशंस पे अग्री करती हूं. कल तुम मुझे क्या भेजोगे, अब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. एमसीक्यू आता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन बनाता है, ऑडिटर बनाता है. ठीक है, ऑडिटर बनाता है या फिर क्लाइंट बनाता है, ऑडिटर बनाता है. क्या लिखोगे अब तुम उस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, ये पांच बातें लिखोगे, जरा पढ़ो इन्हें. तुम पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कि मेरे ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा और मैं किस हद तक ऑडिट करने वाला हूं. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, तुम्हें पता है तीनों ऑब्जेक्टिव. मेरा ऑब्जेक्टिव ओवरऑल रीजनेबल अश्योरेंस, प्राइमरी रिपोर्टिंग, सेकेंडरी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा. मेरा स्कोप क्या, सारी सातों बातें पता है. यस, सात नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारी बातें, ये मेरा स्कोप है, मैं इस हद तक ऑडिट करूंगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे तुम अपनी भी और मेरी भी. क्या कहोगे, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आके अपनी ओपिनियन देना. और तुम बताओगे मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो अभी तुमने प्री कंडीशंस करवाई हैं. मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफआरएफ यूज करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
इंटरनल कंट्रोल को कंप्लाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना. सीधी सीधी यह बात लिखोगे क्या कि मैम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, मैं सिर्फ क्या करने आ रहा हूं उन्हें चेक करने आ रहा हूं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा कौन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओगे. कैसे बनाओगे? एज पर FRF. कैसा इंटरनल कंट्रोल लगाओगे सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर. ठीक है, उसके बाद ना तुम आइडेंटिफाई कर दोगे क्या एप्लीकेबल FRF की मैम आपकी एंटिटी पे ये FRF लगेगा. मैं इस अपने एंगेजमेंट लेटर में ही बता रहा हूं, सो आप पे यही लगा होना चाहिए. और लास्ट पॉइंट तुम क्या बताओगे? यस, तुम लास्ट पॉइंट क्या बताओगे? अभी तुम्हें पता नहीं है ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है, लेकिन जब 700 सीरीज हो जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा. रेफरेंस, तुम एक रेफरेंस दोगे टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म. किस फॉर्म में आएगा, क्या कंटेंट होगा? जो भी रिपोर्ट मैं मैम आपको इशू करूंगा, जो भी रिपोर्ट मैं आपको इशू करूंगा ना, देखो उसका ये तरीका होगा और ये बातें मैं आपको उसमें लिख कर दूंगा. ये पांचों बातें तुम मुझे क्या स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हो? क्या बातें बताई मैम? मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, मेरा स्कोप ये रहेगा, मैं अपने स्कोप से बाहर जाके कोई काम नहीं करने वाला, मैं आपके यहां रिक्रूटमेंट में हेल्प नहीं करूंगा, मेरा ये स्कोप है, मैं इसी स्कोप में काम करूंगा. मैम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इससे ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. मैम आपके यहां ना मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है ये फ्रेमवर्क लगता है, जब चेकिंग करूं ना तो यही फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्योंकि आपने प्री कंडीशन में अग्री किया है क्या कि आपने एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई किया है. क्या अभी तक तुमने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हैं? नहीं ना. अभी तो तुम मेरे पास आए हो, प्री कंडीशंस को अग्री करके खुश होके चले गए, अपना घर पे बैठ के क्या बना रहे हो? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना रहे हो और उसमें सारी बातें लिख रहे हो. जरा पांचों बातें बताओ, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF और एक रेफरेंस देते हो. पूरा नहीं देते, रेफरेंस का मतलब बताते हो एक तरीका कि किस तरीके से अपनी रिपोर्ट दूंगा और उसमें क्या क्या लिख कर दूंगा. ये तुमने मुझे किस लेटर के थ्रू क्लियर कर दिया? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के थ्रू क्लियर कर दिया. देखो यहां पर लिखा हुआ है ना छोटा छोटा, अभी तुम्हें समझ, FRF तो समझ आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज FRF, IC प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ये हमने और छोटा छोटा यहां पर लिख दिया, ये समझ आ गया. उसके बाद ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में देखो क्या लिखा है, ORR FRR रिपोर्ट, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF और रेफरेंस टू द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट. ये पांच बातें क्या आ गई? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आ गई. ठीक है, ORR, FRF और रिपोर्ट, ये पांच बातें. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर क्या क्या बातें लिख कर देता है, तो हमारे लिए इजी 4 मार्क्स हमारे पास ये आ जाते हैं. ठीक है,
डन. हाँ ये अभी पहले समझाती हूँ फिर लिखूँ. ठीक है जी, ये क्या हो गया? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हो गया. क्या क्या बातें आ गई इसमें? ओआरआर, एफआरएफ और रिपोर्ट. ठीक है, सो पहला स्टेप हमारा डन हुआ कि तुम मेरे पास आए और तुमने मुझसे कुछ प्री कंडीशंस को लेकर अग्री कराया. वापस घर गए, घर पे जाके क्या बनाया? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया और मेरे उस पर क्या करा लिए? साइन करा लिए. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है? रीअकरिंग ऑडिट. अभी क्या बोला? रीअकरिंग ऑडिट. इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग ऑडिट. क्या मतलब? सेम एंटिटीज ऑडिट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या करा? तुमने मेरा 1/4/2018 इस ईयर का ऑडिट किया तुमने मेरा. ठीक है, अब जब इस ईयर का ऑडिट करोगे तो तुम मेरे पास आओगे लेट्स से 1/10/2019 को कि मैम मैं आपका ऑडिट करना चाहता हूं 18-19 का. ठीक है, तो मैं तुम मुझसे आते क्या पूछोगे? मैम क्या ये प्री कंडीशंस हैं? मैम क्या आपने इस साल में एक्सेप्टेबल एफआरएफ यूज किया है? क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाया है? क्या इस साल आपका इंटरनल कंट्रोल ऐसा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर हो? क्या मैम आप मुझे क्या दोगे? सारी इंफॉर्मेशन दोगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोगे? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे? मैंने कहा हाँ ठीक है मैम, मैं आपका ऑडिट क्या करता हूँ? एक्सेप्ट करता हूँ. घर गए 11 तारीख को, तुमने मुझे क्या दे दिया? एक AEL ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे दिया, मैंने उस पर साइन कर दिया. तो ये बताओ जो ये बात हुई हमारी 10/5/19 और 11/5/19 को, मैंने ये किस साल का ऑडिट किया तुम्हारे यहां? 18-19 का किया. ठीक है, 18-19 का ऑडिट हो गया. जब ये ऑडिट हो रहा होगा क्या इतने में अगला साल शुरू हो चुका है? यस ना, कौन सा साल यहां से शुरू हो चुका है हमारा? 1/4/19 से लेके 31/3/20 तक. अब वही सिचुएशन आ जाती है 10/5/2020 पे. अब क्या नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत है? उन सारी बातों को क्या रिपीट करने की जरूरत है? उन सारी बातों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है. क्या कहते हैं कि अगर कोई चेंज ही नहीं आया एंटिटी में तो सिंपली तुम मुझसे क्या कहोगे? मैम पिछले साल की प्री कंडीशंस याद है ना? पिछले साल की सारी एक्सेप्टेंस याद है ना? तो मैं कहती हूं यस मुझे याद है. तो क्या नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर रिन्यू दोबारा बनाने की जरूरत है? कुछ चेंज ही नहीं होगा. देखो क्या कहता है ऑडिटर, पिछले साल भी मैंने ही किया था, इस साल भी मैं ही कर रहा हूं, टर्म सेम है. सो तुम्हें सिर्फ मैम क्या करा रहा हूं? याद दिला रहा हूं वो सारी टर्म्स जो आपने पिछले साल मेरे से हां की थी. मैं कोई नया लेटर बना नहीं रहा, पिछले साल वाली सारी बातें दोबारा आपसे हां करवाऊं, दोबारा लेटर बनवाऊं, दोबारा साइन करवाऊं, कोई यूज नहीं है. मैं आपको सिर्फ क्या करा दे रहा हूं? रिमाइंड करा दे रहा हूं, आपको याद दिला दे रहा हूं. लेकिन अगर कोई भी क्या आता है? चेंज आता है. लेकिन अगर क्या आएगा? कोई भी चेंज आएगा या फिर टर्म्स रिवाइज होंगी तो मैं आपको कैसा लेटर दूंगा? नया लेटर दूंगा. क्या बोला गया? कुछ टर्म्स रिवाइज करनी है, नया अग्रीमेंट बना के भेज रहा हूं, साइन कर देना. इस डेट पे 10/5 को अगर लगता है ना कि कुछ टर्म्स चेंज करनी है या पिछली बार ना मैम को समझ नहीं आई थी ये बात जो मैं अपने एंगेजमेंट लेटर के थ्रू कहना चाह रहा था, तो मैं इस बार मैम को ना नया एंगेजमेंट लेटर बना के भेज देता हूं और उस पर साइन करवा लेता हूं. ठीक है, सो दो बातें आई. कब? 10/5/2020 को. या तो कोई टर्म्स में चेंज आया है या कोई टर्म्स में चेंज नहीं आया. पहली बात बताओ, अगर टर्म्स में कोई चेंज ही नहीं आया तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम नया लेटर बनाओगे, साइन कराओगे, कुछ करोगे? तुम सिर्फ क्या कर लोगे? मुझे टर्म्स को, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स को क्या करवा दोगे? रिमाइंड करवा दोगे, मुझे याद दिला दोगे कि हाँ मैम ऐसे ऐसे हुआ करता था तो इस साल भी वैसे वैसे होगा. लेकिन अगर कोई टर्म्स में चेंज आया तो तुम क्या करोगे? मैम मैं आपको क्या भेज रहा हूं? नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेज रहा हूं, इस पे साइन कर देना. देखो क्या लिखा है, टर्म्स रिवाइज. कैसे मतलब?
न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न अग्रीमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स. क्या हुआ, पिछली बार मैम मैंने ना आपको लिखा था, एक रेफरेंस बताई थी कि मैं इस तरीके से रिपोर्ट दूंगा. मैंने ना आपको पूरा फॉर्मेट नहीं दिया था, आप उस बात को मेरी गलत समझ गए. मैम मैंने आपको अपना स्कोप बताया था. क्या स्कोप बताया था? कि मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करूंगा, कवर करूंगा. मैंने ये नहीं कहा था उसमें कि मैं आपकी हेल्प करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए. आपने ना ऑब्जेक्टिव को मिसअंडरस्टूड कर लिया था पिछले साल. तो इस साल मैं क्या लिख के भेज रहा हूं आपको, रिवाइज कर रहा हूं टर्म्स और सही से समझा के भेज रहा हूं कि आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया था क्या, ऑब्जेक्टिव और स्कोप को. तो मैं इस बार आपको वो सही से बता रहा हूं, दोबारा से क्या कर दो, साइन कर दो. मैम आपके यहां ना कुछ चीजों में चेंज हुआ है. क्या क्या? सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ है. तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस तरीके से काम करूंगा. अगर किस में चेंज होता है, मेरी कंपनी की ओनरशिप. क्या ये समझ में आता है? ओनरशिप अलग है और सीनियर मैनेजमेंट अलग. क्यों? सेपरेट एंटिटी, कंपनी है, ठीक है. सो सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगा तो अलग लेटर बनेगा, ओनरशिप में चेंज होगा तो अलग लेटर बनेगा. क्यों बन रहा है अलग लेटर? ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए जो सीनियर मैनेजमेंट अब आया है कि ये एंगेजमेंट लेटर है, और ओनर जो चेंज हुए हैं उन्हें भी क्या पता चल जाए कि ये है. एफआरएफ में चेंज आया तो लेटर दोबारा बनेगा. और अदर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, यानी हो सकता है मैं रिपोर्ट अब किसी और तरीके से दूं, अगर इन चीजों में चेंज आएगा ना तो उस केस में क्या करना है, हमें नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाना है. कब कब नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाओगे? जब मैंने तुम्हारे ऑब्जेक्टिव या स्कोप को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था. मेरे यहां पर चेंज आया है किसमें? सीनियर मैनेजमेंट में. मेरे यहां पर चेंज आया है. तुम्हारी मैम की क्या चेंज हो गई? एफआरएफ. या तुम्हारी क्या चेंज हो गई? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई. तो तुम मुझे कैसा लेटर बना के दोगे? नया लेटर बना कर दोगे. या तुमने ना अपनी फीस इंक्रीज करवानी है तो चेंज हो गया ना, कोई चेंज आया ना. देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेशल टर्म ऑफ एंगेजमेंट. कि मैम पिछली साल ना मैं आपके यहां नया नया ऑडिट था, हर महीने में 4 बार आया था. अब मेरे पास और ऑडिट्स आ गए हैं तो मैं महीने में अब कितनी बार आऊंगा? 2 बार आऊंगा. पिछली बार मैंने आपसे 50,000 चार्ज किए थे, इस बार मैं 70,000 चार्ज करूंगा. तो क्या नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मुझसे साइन करवाना जरूरी हो गया? यस. क्या पता मैं 70,000 दू ना दू, क्या पता मैं तुमसे, ऑब्वियसली मैं कहूंगी बेटा पिछली बार भी 50,000 में किया था, इस बार क्या हो गया? मतलब तुम अगर ऑडिटर एक्सपीरियंस होते जा रहे हो तो क्या मुझसे फीस बढ़ाते जाओगे? हो सकता है मैं उन टर्म्स पे अग्री ना करूं. सो अगर कोई भी स्पेशल चेंज आता है टर्म में तो क्या कराना पड़ेगा? तुम्हें नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनवाना पड़ेगा. क्लियर हुई बात? तो हमारे पास ना कितनी बातें आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6. कौन सी बातें आई, जरा ध्यान से देखो कि कब कब तुम्हें नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनवाना है. पहली बात, अगर मैंने ऑब्जेक्टिव या स्कोप को क्या कर लिया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया. मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखा था मैं एक रीजनेबल अश्योरेंस दूंगी. तुम क्या, तुमने लिखा था कि क्या दोगे, एक रीजनेबल अश्योरेंस दोगे. मैंने कहा अरे तुमने तो ये चेक नहीं करे मेरे पेटी कैश, तुम क्या कहते हो? मैम मुझे एक रीजनेबल अश्योरेंस देनी है, मुझे यहां सैम्पलिंग करनी है, मैं आपके छोटे छोटे पेटी कैश चेक नहीं कर सकता. अगले साल जब लेटर बनाएंगे ना यार, तो मैम को सही से समझा देंगे कि मैम आपने तो ऑब्जेक्टिव ही गलत समझा है. आप तो चाह रहे हो मैं एक एक छोटी से छोटी चीज आपके यहां क्या करें, चेक करें, ठीक है. सो रिवाइज कब होगा? हमारे पास 6 बातें हैं. कौन सी? जब पहली ऑब्जेक्टिव और स्कोप को क्या करा गया है, मिसअंडरस्टूड किया गया है. सेकंड, जब कोई स्पेशल टर्म चेंज होनी है या फिर चेंज आया है 4 जगह. हाँ वंशी, कौन सी जगह चेंज? सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप, एफआरएफ, रिपोर्टिंग. कौन सी 4 जगह? सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप, एफआरएफ, रिपोर्टिंग. इन चारों में से किसी में भी चेंज आया तो तुम कैसा लेटर बना के दोगे? न्यू लेटर बना के दोगे. लेट से कोई चेंज ही नहीं आया तो रिमाइंड करा देना कि मैम पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है, कोई फर्क है ही नहीं, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं. लेकिन अगर क्या हुआ, 6 बातें, 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कब कब ऑडिटर अपनी बातों को रिवाइज करके भेजता है, कब कब वो नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाता है. कौन सी बात? जब मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव या स्कोप को मिसअंडरस्टूड किया हो. सेकंड, कोई स्पेशल टर्म ऑफ एंगेजमेंट हो. थर्ड, चेंज हो 4 बातों में. चारों ना अलग अलग पॉइंट्स हैं, हमने याद करने की वैसे लिखे हैं, चारों अलग पॉइंट्स हैं. चेंज इन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है. इन 4
इन छह बातों की वजह से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को चेंज किया जाता है, वरना सिर्फ रिमाइंड करा दी जाती हैं। तो तीन बातें हमारी हो गई। देखो लास्ट बात बची है बस स्टैंडर्ड की। पहली बात क्या थी, सिर्फ कहानी की तरह याद रखना है। तुम मेरे पास आए, तुमने क्या दिखाया मुझे, मैम ये प्री कंडीशन है। मैंने कहा ओके, वापस गए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया। ये तो हो गई पहले साल की बात। अगले साल क्या करूं, दोबारा बनाऊं लेटर? 210 क्या कहता है, क्या कहता है कि अगर कोई चेंज नहीं है तो रिमाइंड करा दो, चेंज है तो रिवाइज करा दो, क्या चेंज नहीं है तो रिमाइंड करा दो, चेंज है तो रिवाइज करा दो। बात खत्म। ये हो गया हमारा क्या, रिकरिंग ऑडिट। लास्ट बात और पढ़ेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। Done. चलो अब लास्ट आती है इजी सी बात, जो क्या कहता है कि एक्सेप्ट तो तुमसे मैंने ऑडिट करवा लिया और उसके बाद जो जो मैंने कहा था उन सारी बातों से अब मैं पलट रही हूं। ठीक है, सबसे पहले तुमने याद है मुझसे प्री कंडीशंस कुछ हाँ करवाई थी, प्रीकंडीशंस हाँ करवाई थी ना कि मैम ऐसा होना चाहिए, मैम ऐसा होना चाहिए, और सब बातों को मैंने रेडीली क्या किया था, हाँ ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो अब आया एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट। एक्सेप्ट करोगे तुम उस एंगेजमेंट को भी जो चेंज हो गई है, पहले जैसे कहा था ना अब वैसा नहीं है, फिर भी देखते हैं कि तुम उसे एक्सेप्ट करोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्या तुमने मुझसे कहा था कि मैम मुझे सारी इंफॉर्मेशन देना, क्या तुमने कहा था मुझे एडिशनल देना,
क्या तुमने ये भी कहा था मैम मैं जिससे बात करना चाहूंगा मैं उससे बात करूंगा, कहा था ना? और क्या इन सारी प्री कंडीशंस को मैंने यस 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 कहा था कि हाँ ये सब होगा, टेंशन मत लो, कहा था ना? अब क्या हुआ, ऑडिटर तुम आए और तुमने मुझसे कहा कि मैम मैं ना चंचल मैम से बात करना चाहता हूँ, आपका मैं इंस्टीट्यूट का सारा इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा हूँ, मैं चंचल मैम से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा चंचल मैम अभी बिजी है, वो बात नहीं कर सकती। तुम अगले दिन आए, तुमने कहा मैम मैं बात कर सकता हूँ, मैंने कहा आज वो छुट्टी पे है, मैंने उन्हें रूम में भेज दिया और मैंने क्या कहा आज वो छुट्टी पे है। तुमने तीन चार दिन तक ट्राई किया और तुम्हें मैं एक्सेस नहीं दे रही हूँ किसी भी पर्सन से बात करने के लिए, जिससे भी तुम बात करना चाहते हो मैं उससे तुम्हें बात नहीं करने दे रही। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि मैम इस स्टूडेंट की ना 40,000 फीस आनी बची है, क्या मैं इसको कॉल कर लूं? तो मैं क्या कहती हूँ, नहीं बेटा इसे क्यों कॉल करना है, ऐसे बच्चे से बात करना सही नहीं है, ऑडिटर हो तुमसे कह रही हूं मैं, नहीं उसको मैं कॉल नहीं करने दे सकती, ऐसे अच्छा नहीं लगता, पेरेंट्स तक बात जाएगी वो क्या सोचेंगे। दैट मीन्स जब हमारी प्री कंडीशन हो रही थी तब तक मैंने क्या कहा था मैं हर इंसान से बात करने दूंगी, जब तुम अब काम करने आए हो जिससे भी तुम बात करना चाह रहे हो मैं तुम्हें बात नहीं करने दे रही, तो क्या तुम्हारे काम करने पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूं? यस रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूं। क्या तुम्हें गुस्सा आएगा, क्या तुम ये कहोगे मैम प्री कंडीशन के टाइम पे तो आपने सारी बातों को यस करा था, अब मैं जिससे भी बात करने को कहता हूं आप कोई बहाना लगा देते हो, ये तो गलत है, ये तो मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो मेरे साथ धोखा हो रहा है। क्या कहते हैं ऑडिटर, ये क्या धोखा दे रहे हो, जो कहा था करने को मना क्यों कर रहे हो, जब मैम आपने कहा था आप हर बंदे से बात करने दोगी तो अब क्या हो गया, आप स्टूडेंट से क्यों नहीं बात कर सकता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मांग सकता मैं किसी से भी? तो मैं क्या कहती हूं, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ रीजन देती हूँ, अभी रीजन नहीं पढ़ते, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ रीजन देती हूँ कि देखो चंचल मैम से इसलिए बात नहीं करने दे रही और बच्चे से इसलिए बात नहीं करने दे रही। अब आएगी तुम्हारी जजमेंट, तुम क्या देखोगे मैम सच बोल रही हैं या मैम झूठ बोल रही हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ बेटा बच्चे से बात नहीं करनी, अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसे कितने बच्चों से बात करते रहोगे ऑडिटर, तो इससे बात नहीं करने देनी आपको, और जो भी सबूत लेने हैं ना आप सबूत ले लो, आप चंचल मैम से बात कर लो, आप रेखा मैम से बात कर लो, आपको जो करना है आप कर लो, लेकिन बच्चे तक ऐसे पूछना सही नहीं है। तुम्हें अगर लगता है कि मैम जस्टिफाइड है तो तुम क्या कहोगे, ठीक है हम बात नहीं करते। लेकिन क्या ये हमारी प्री कंडीशन में था, हमारी प्री कंडीशन में क्या था कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा हर बंदे से बात करने का, अब मैंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या मैंने चेंज कर दी टर्म ऑफ एंगेजमेंट, यस, लेकिन क्या तुम उस चेंज से सैटिस्फाइड हो गए? हाँ, तुमने कहा ठीक है मैं बाकी सबूत ले लेता हूं, मैम कोई ऐसा वैलिड रीजन कह रही है कि बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें क्या डिस्टर्ब करना है तो मैं उनसे बात नहीं करता। क्या तुमने एक्सेप्ट कर लिया चेंज इन द ओरिजिनल एंगेजमेंट, Yes, कर लिया। अब ये चेंज तुमने एक्सेप्ट क्यों किया, क्या ये तुम्हारी जजमेंट के हिसाब से चेंज किया तुमने? Yes, हो सकता है तुम कहते मैम झूठ बोल रही है, फीस दी ही नहीं है बच्चे की, तब भी इन्होंने अपने डेटर्स दिखा रखे हैं और बच्चे से पूछेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, तो इसलिए मैम हमें बात नहीं करने दे रही। एक जजमेंट ऑडिटर तुम ये भी निकाल सकते हो और दूसरी ये भी निकाल सकते हो कि हाँ बच्चा पढ़ रहा होगा तो मैम सही कह रही है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। क्या तभी तुम 100% अश्योरेंस दे सकते हो? नहीं ना। हो सकता है तुमने सोचा कि मैम सच्ची लेकिन निकल गई मैम झूठी, ठीक है, हो सकता है ना ये बात। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जजमेंट ऑडिटर की क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, उसे देखना होता है कि मैम क्या सच बोल रही है क्या झूठ बोल रही है, ठीक है। सो क्या कहा, टर्म में चेंज कर दिया मैंने तुम्हारी, रीजन बताया मैंने, अगर तुम्हें लगता है ओके मैम सही बोल रही है तो ओके, अगर तुम्हें लगता है नहीं नहीं मैम हमें तो बच्चे से बात करनी है, मैं कह रही हूं नहीं मैं करने ही नहीं दूंगी, ठीक है, तुम कह रहे हो मैम हमें तो करनी है, आपने प्री कंडीशन में कहा था और आप ये क्या कह रहे हो, बच्चे से एक मिनट ही तो बात करनी है मैम, क्या उससे पढ़ने पे असर पड़ेगा, ये हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन चाहिए ही चाहिए। मैं कहती हूं मैं दूंगी नहीं, मैं नंबर ही नहीं दूंगी, तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास एक ही हथियार है कि मैम ने कहा था प्री कंडीशन में कि हर पर्सन से बात करने देंगी और करने नहीं दे रही, तो हमें तो सबूत मिल ही नहीं पा रहे ना, मैं कैसे रिपोर्ट बना दूं, तो तुम वहां पर लिख दोगे कि हमें सबूत इकट्ठे नहीं करने दिए गए, इस वजह से हम कुछ कह ही नहीं सकते, तुम वो रिपोर्ट में लिख दोगे। या तो तुम्हें मेरा चेंज जस्टिफाइड लगता तो तुम कहते ठीक है मैम, और अगर तुम्हें जस्टिफाइड नहीं लग रहा तो तुम क्या करोगे, अपना ऑडिट रिपोर्ट में उस चीज को लिख दोगे। सिंपल। क्या जरूरी है कि चेंज इन एंगेजमेंट तुम एक्सेप्ट करो ही करो? क्या जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमेशा जब भी मैं चेंज करूंगी ना तो तुम्हें एक लोअर अश्योरेंस मिलेगी। ध्यान से देखना और बताना व्हाई लोअर अश्योरेंस। जब भी मैंने किसी टर्म में चेंज कर दिया तो
तो मैं चेंज करूंगी अपने बेनिफिट के लिए, मेरा बेनिफिट और तुम्हारा बेनिफिट सेम नहीं है। जब मैंने चेंज कर दिया कि तुम बच्चे से बात नहीं कर सकते, तो बच्चे से बिना बात करे अब तुम इधर उधर के सबूत इकट्ठे करोगे, तो तुम्हें वो अश्योरेंस नहीं मिल पाएगी जो तुम्हें डायरेक्टली किससे बात करके मिल जाती, बच्चे से बात करके मिल जाती। तो हमेशा जब भी चेंज होता है ना, तो कैसी अश्योरेंस मिल रही है तुम्हें? लोअर अश्योरेंस मिल रही है। तो तुम्हें देखना है कि मैं इस लोअर अश्योरेंस के साथ सेटिस्फाइड हूं या मैं इस लोअर अश्योरेंस के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर तुम लोअर अश्योरेंस के साथ सेटिस्फाइड हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तुमने क्या कर लिया? चेंज इन एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। और अगर तुम इस चेंज इन एक्सेप्टेंस यानी लोअर अश्योरेंस से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो तुम ऑडिट रिपोर्ट में लिख दोगे कि देखो प्री कंडीशन में अलाउ किया गया था, और यहां पर जब हम अब काम कर रहे हैं तो हमें काम करने नहीं दे रहे, तो हम ऑडिट रिपोर्ट में इसी बात को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। क्लियर हुई बात? रीजन क्या कहता है? चेंज इन एंगेजमेंट ड्यू टू, यहां से बढ़ते हैं इसको, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कुछ चेंज हो गए। पहले मैं बच्चों से बात करने दे सकती थी बेटा, अब नहीं करने दे सकती, अब मेरे पास ही नंबर्स नहीं होते, मैनेजमेंट के पास होते हैं, एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस मैं तुम्हारे सामने रख सकती हूं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस टाइम पे, अब मैं नहीं दे सकती, या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने एंगेजमेंट का स्कोप, मतलब जो काम तुम अभी तक कर सकते थे यानी लोगों से बात कर सकते थे, वो मैंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कन्वेज इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ, तुम्हें कैसी अश्योरेंस मिलेगी? लोअर अश्योरेंस मिलेगी। तुम्हें कंसिडर करना है, तुम्हारी जजमेंट आ गई ना, तुम्हें कंसिडर करना है कि वेदर द चेंज हैज रीजनेबल जस्टिफिकेशन और नॉट। मैम जो अब ये चेंज कर रही हैं, उसका कुछ रीजन है या रीजन नहीं है? रीजन लगता है, तुम्हें लगता है यस रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो तुम नई टर्म्स के साथ अग्री कर जाओगे? तुम्हें लगता है नो चेंजेस अनरीजनेबल, मैनेजमेंट डजंट परमिट द ओरिजिनल एंगेजमेंट, विदड्रॉ और ऑडिट रिपोर्ट। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, देखो ये वाला लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। सबसे पहला हथियार क्या है तुम्हारे पास? ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और तुम्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, तुम कहते हो हमें तो काम ही नहीं करना, ऑडिट रिपोर्ट में लिखना तो दूर की बात, जितना काम कर दिया था छोड़ो, पैसे हमें यहां काम करना ही नहीं है। सो वो सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है। पहला ऑप्शन क्या रहता है? हम क्या लिख देंगे? ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे, ठीक है। सो ये बात कौन सी आई हमारी? एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट। अगर नॉर्मल कहानी की तरह भी बात करोगे, याद बिना करे, तब भी तुम्हें याद रह जाएगा, चेंज कर दी मैंने एंगेजमेंट। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांस में कोई चेंज आया, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तुम्हें लगता है मैम का जो चेंज है ना, अब ये लोअर अश्योरेंस देगा, हमें लोअर अश्योरेंस देगा। तुम सोचोगे क्या ये चेंज की मैम कोई जस्टिफिकेशन दे रही है? हाँ मैं जस्टिफिकेशन दूंगी ही। तुम्हें अगर वो जस्टिफिकेशन रीजनेबल लगी तो तुम नए टर्म्स पे काम कर लोगे। अगर तुम्हें वो जस्टिफिकेशन रीजनेबल नहीं लगी तो तुम क्या कहोगे? नहीं मैम हमें ओरिजिनल अपनी जो बातें थी ना उसी पे रहो। मैं कहती हूं नहीं, ओरिजिनल पे मैं रहूंगी नहीं। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो या विथड्रॉ कर लो। सिंपल, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड 210।
डन. ठीक है, दिस वॉज आर स्टैंडर्ड नंबर एसए 210. चार बातें की 210 में, कौन सी? सबसे पहले आए प्री कंडीशंस के बारे में बात की. जरा बताओ तुमने मुझसे आके क्या क्या बातें की, क्या क्या प्री कंडीशंस थी. मैम क्या आप एक्सेप्टेबल एफआरएफ यूज करते हो? सेकेंडली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करो. कौन सी? क्या आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया भी एज पर एफआरएफ है? क्या आपका इंटरनल कंट्रोल ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर? और क्या आप हमें तीन चीजें प्रोवाइड करोगी, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस. मैम अगर आप सारी बातों को एक्सेप्ट करती हो और किसी बात पे लिमिटेशन नहीं लगाती ना, तो मैं घर जाऊंगा और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाऊंगा. ठीक है, घर गए, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया, क्या क्या बातें लिखी, क्या क्या था? ओ आर आर, एफ आर एफ और रिपोर्ट. क्या क्या बात था? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफ आर एफ और लास्ट में रेफरेंस टू द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट. रेफरेंस ने फॉर्म की और कंटेंट की ऑफ द एक्सपेक्टेड रिपोर्ट जो तुम मुझे देने वाले हो. रेकरिंग ऑडिट पहला साल तो हो गया, प्री कंडीशन से भी ध्यान दर, प्री कंडीशन से भी हो गया और हमारा लेटर भी बन गया. अगले साल क्या नया लेटर बनेगा? टर्म्स में चेंज नहीं है तो नहीं बनेगा. क्या करोगे? सिर्फ रिमाइंड कर दोगे. टर्म्स में चेंज है तो रिवाइज कर दोगे. क्यों क्यों रिवाइज करोगे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को? मैंने कुछ गलत समझा ऑब्जेक्टिव को या स्कोप को, तुमने कोई स्पेशल टर्म में चेंज लेके आए हो, या फिर मेरे यहाँ चेंज हुआ है सीनियर मैनेजमेंट में, ओनरशिप में, एफआरएफ में और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में, तो चेंज होगा. लास्ट में ये केस स्टडीज पे आती है कि जो अश्योरेंस मैं तुम्हें पहले दे रही थी, अब मैंने टर्म्स को चेंज कर दिया और तुम्हें मिल रही है एक लोअर अश्योरेंस. क्या तुम मेरा ऑडिट करोगे या नहीं करोगे? अगर जो चेंज मैंने किया है वो तुम्हें जस्टिफाइड लगता है, उसके रीजन सही लगते हैं, तो तुम नई टर्म्स के साथ अग्री कर जाओगे. लेकिन अगर तुम्हें वो सही नहीं लगते, तुम क्या कहोगे? हमें तो क्या चाहिए? ओरिजिनल चाहिए, जो ओरिजिनल था. मैं कहती हूँ ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा, तो तुम विड्रॉ कर दोगे या ऑडिट रिपोर्ट में लिख दोगे. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसए 210. यहां पर आ जाएं तो ये चार बातें हमने एसए 210 में कर ली. रेकरिंग ऑडिट में देखो यहां लिखा हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेशल टर्म, चेंज इन ठीक है, और उसके बाद ये एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट. कब एक्सेप्ट करोगे चेंज इन एंगेजमेंट? यस, वेरी गुड, जब तुम्हें जस्टिफाइड लगेगा. क्लियर हो गई बात. अब लास्ट टॉपिक हमारा जो बात करता है वो कहता है कि कैसे ये स्टैंडर्ड्स बने. ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो बात करेगा ये क्या आता है हमारा, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. ठीक है, इस स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में ना सिर्फ हमारे लिए क्या चीजें यूजफुल हैं, जो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. पहले मैं समझा देती हूं एक क्विकली और उसके बाद ये तुम लिख लेना. क्या था 1977 में, एक कौन सी अकाउंटेंट्स की फेडरेशन थी, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. ठीक है, इन लोगों ने, इस फेडरेशन ने एक आईएएएसबी को इस्टैब्लिश किया. आईएएएसबी कौन है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. आईएफएसी ने क्यों बनाई
IASB. IASB को किसने बनाया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने बनाया. ठीक है, उसके बाद जरा बताओ क्यों बनाया गया IASB? सो दैट वो क्या कर पाए, वो हाई क्वालिटी के अच्छे स्टैंडर्ड्स ला पाए अपने आप से, सो दैट क्या हो पाए, बेटर फंक्शनिंग हो पाए. ये फेडरेशन ने ये इसको इस्टैब्लिश किया. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके किसके, अकाउंट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के. लेकिन ये इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनली हो रहा है सारा काम. अभी इंडिया में कोई ऐसा बोर्ड नहीं था, अभी इंडिया वाले कॉपी करेंगे इस बोर्ड को. अभी इंटरनेशनल बात हो रही है कि इंटरनेशनली एक ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड था जो हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स लाता था, जिससे क्या हो पाए, जिससे क्या हो पाए, एक अच्छी फंक्शनिंग हो पाए. इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी थी, इंडिपेंडेंट थी, ये खुद जो स्टैंडर्ड इसे अच्छा लगता था ये लेके आती थी, सो दैट फंक्शनिंग प्रॉपरली हो पाए. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स प्लस गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट्स एक्सेप्टेड बाय स्टेक होल्डर्स. पता है क्या स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है? शेयर होल्डर कौन, जिसने कंपनी में पैसा लगा रखा है. स्टेक होल्डर कौन, जिसका इन एनी फॉर्म कंपनी में इंटरेस्ट होता है. ठीक है, गवर्नमेंट भी क्या स्टेक होल्डर होती है, टैक्सेस को लेके. लेंडर्स, बोरोअर्स, रिसर्च एनालिस्ट, ये सब लोग कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस फॉर अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज. और भी ना स्टैंडर्ड्स के अलावा भी अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अश्योरेंस सर्विसेज में काम आते हैं. स्टैंडर्ड्स फॉर रिलेटेड सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल. SQC बताया था ना, क्वालिटी, जब हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे थे 220 कि हमारे क्या होते हैं, SQCs भी होते हैं. और पब्लिशिंग प्रोनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट्स क्या होते हैं, हम कहते हैं ना ICI ने नया प्रोनाउंसमेंट दिया है, कोई नई बात आई है उससे जो हमारे को हेल्प करेगी काम करने में. सेम तरीके से IASB क्या करती है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स निकालती है जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है. क्वालिटी के लिए रिक्वायरमेंट है तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स निकाल दिए. रिलेटेड सर्विसेज के लिए, रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स ना थाउजेंड्स में आते हैं जो हमारे स्कोप से बाहर है. पढ़ने का भी एक स्कोप है, उस स्कोप से बाहर के वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें नहीं पढ़ने. अश्योरेंस सर्विसेज के अलग स्टैंडर्ड्स हैं, रिलेटेड सर्विसेज के अलग स्टैंडर्ड्स हैं. हमें सिर्फ क्या पढ़ने हैं, हमें सिर्फ क्या पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ये बनाए किसने, IASB ने. क्या क्या बनाती है ये हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स जो हमारे लिए हेल्प होती है. स्टैंडर्ड्स बनाती है अश्योरेंस सर्विसेज के लिए, स्टैंडर्ड्स बनाती है रिलेटेड सर्विसेज के लिए, स्टैंडर्ड्स बनाती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और टाइम टू टाइम प्रोनाउंसमेंट्स भी देती है. ठीक है, ये बातें कहां की चल रही हैं, इंटरनेशनल चल रही हैं. अब हुआ क्या, बन गया क्या AASB, ये किसका है, हमारा है. कैसे, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. IFAC का मेंबर था कौन, ICAI. इंप्लीमेंट करता था किसकी गाइडलाइन, सारी IFAC की. पहले ना ICAI ने, ये सब हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, APC बनाया, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी, वो सारा काम कर रही थी, ये सब नहीं पढ़ना हमें, सिर्फ क्या पढ़ना है, ICAI ने सारी चीजों को हटा के IASB से नया क्या बना दिया, AASB बना दिया. इसने क्या कर दिया, इन जुलाई सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हुए एक क्या बना दिया, AASB बना दिया, जो क्या करेगा इंडिया में, वही काम करेगा जो IASB क्या करता है, इंटरनेशनली करता है. तो हमारे लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि AASB के फंक्शंस क्या हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सिर्फ हमें ये आएगा, हमें IASB नहीं आएगा, फेडरेशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा. सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एंड इट इज नॉट इन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, बट ये पूछ सकते हैं कि IASB से जो AASB बना है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं. तो हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स देना, स्टैंडर्ड्स देना ऑन अश्योरेंस सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स देना ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स देना ऑन क्वालिटी कंट्रोल, और अलग अलग टाइप के प्रोनाउंसमेंट्स को डिक्लेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, AASB की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो तुम्हें सिर्फ क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AASB. सिर्फ एक हेडिंग डालोगे, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IASB नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AASB. ऊपर हेडिंग दे दो AASB, इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, AASB लिख दो,
और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एएएसबी में ये पांच तरीके के ऑब्जेक्टिव्स लिख दो, दैट्स इट। इससे ही क्वेश्चन आया है एक दो बार, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन नहीं आता। डन, ठीक है, जिसने कर लिया वो बुक खोल लो, एक बार चैप्टर देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स कवर हो गए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। देखो जी, फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एश्योरेंस और उसे रिपोर्ट करना, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या सारे पॉइंट्स किए हुए हैं, क्या स्कोप होता है ऑडिट का, यस एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट में कौन सा वॉलंटरी ऑडिट, कौन सा कंपल्सरी ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में यही जो हमारा ऑब्जेक्टिव है किसके, ए एस बी के, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर आई ओ आई सी सी टीटी जेकेएल, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एस ए 220, क्वालिटी कौन सा था 220 था, उसके बाद 11th आया हमारे पास प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, कौन सा एस ए 210, अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स 210, रिकरिंग ऑडिट 210, लिमिटेशन ऑन द स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, लिमिटेशन पहले ही लगा दी तो क्या एक्सेप्ट करोगे, नहीं लगाई, एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एक्सेप्टेंस, चेंज इन एंगेजमेंट, तो दोनों क्या हो गए 210 और 210 हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा चैप्टर वन, सबसे बड़ा चैप्टर था, चैप्टर वन कंप्लीट हो गया हमारा, सबसे ज्यादा पॉइंट्स अराउंड 16-17 पॉइंट है इस चैप्टर में, बाकी सब में 7-8 इस तरीके के हैं, सो बहुत बड़ा चैप्टर था। अब आ जाओ पीछे क्वेश्चन बैंक पे, क्वेश्चन बैंक में देखो यहां पर एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक है आरटीपी एमटीपी और पीएक्यूज, ठीक है, ये वाले सारे हम क्लास में कवर कर लेंगे, अभी एक एक्स्ट्रा बुकलेट भी दूंगी जिसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, वो भी तुम साथ साथ कर सकते हो, रुको ये थोड़ा ब्लर हो रहा है,
ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ो. द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ वाइटल सर्विस टू इन्वेस्टर्स, ट्रेड पेबल्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक एक्सचेंज. एक्सप्लेन. इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा. क्यों होना चाहिए? द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ वाइटल सर्विस. अगर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा तो वो अच्छा रहेगा. किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेड पेबल्स के लिए एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए. एक्सप्लेन व्हाई. क्योंकि वो ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट देगा. क्योंकि क्या रहेगी अगर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट हुआ है? रिलायबिलिटी रहेगी और क्रेडिबिलिटी रहेगी. प्लस इंडिपेंडेंट अगर होगा ऑडिट तो क्या एडवांटेजेस भी मिलते हैं? यस. ऑडिट अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ऑडिट के एडवांटेजेस ही नहीं आएंगे. ऑडिट के एडवांटेजेस ही कब आएंगे? जब ऑडिट कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा. तो ये सारी बातें मिक्स करके लिखी जाएंगी कि इंडिपेंडेंट ऑडिट होने से क्या बेनिफिट्स होते हैं. साथ में इंडिपेंडेंस से सबसे बड़ा बेनिफिट की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी जाएगी. इसमें एक पॉइंट और आता है यहां पे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कौन कौन करता है? ऑडिट क्यों करा रहे हैं हम? यस. कुछ पढ़ा है ऐसा? इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनली कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है? तीन लोग हैं मेनली. और एम्प्लॉयज. यस. एक्सटर्नल, गवर्नमेंट, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, बोरोअर्स. ये सब क्या हो गए हमारे? लेंडर्स. ये सब क्या हो गए हमारे? एक्सटर्नल हो गए. ये लोग यूज करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. तो अगर ऑडिटेड होंगे तो क्या इनको आश्वासन यानी कि अश्योरेंस ज्यादा मिल पाएगी? और कब ज्यादा मिलेगी? जब ऑडिट कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो. एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग. हाउ वुड यू एज एन ऑडिटर परफॉर्म द ऑडिट? यस. और उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स आ जाएंगे. हाउ वुड यू परफॉर्म? मैं बेसिक प्रिंसिपल्स को साथ में रखते हुए ऑडिट को परफॉर्म कर दूंगा. जो काम करूंगा उसे डॉक्यूमेंट कर लूंगा. आईओआई मेंटेन रखूंगा. स्किल एंड कॉम्पिटेंस से काम करूंगा. कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखूंगा. दूसरों का काम यूज तो करूंगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी. सारी प्लानिंग करूंगा, सारे सबूत इकट्ठे करूंगा, इंटरनल कंट्रोल स्टडी करूंगा, रिपोर्टिंग करूंगा और इस तरीके से मैं अपना ऑडिट को परफॉर्म करूंगा. स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट? ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटीज नहीं. ओवरऑल, प्राइमरी और सेकेंडरी. क्वेश्चन फोर. कौन से थ्रेट्स हैं? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन. पांचों थ्रेट्स बताने हैं. अब आ जाते हैं आरटीपी के क्वेश्चंस पे. मैं बता देती हूँ कितने हैं. हो जाएंगे. कम नहीं है. रुको जरा. ठीक है, कुछ कल कर लेंगे. पहले जरा फिर पास अटेम्प्ट क्या कर लेते हैं. क्वेश्चन वन देखो जरा. पास अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं. प्रिंसिपल ध्यान इधर. क्वेश्चन अपने लिए नहीं कर रही मैं. प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट या एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट. कौन सा लिखोगे? डिस्कोपेयर. जो एस्पेक्ट्स थे टू बी कवर्ड इन ऑडिट. ठीक है. स्कोप अलग है, एस्पेक्ट अलग है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट अलग है. ठीक है. अभी आ गया है कंसेप्ट. ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है? डी आर पी. ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं तो डी आर पी कैसे होता है आगे पढ़ लेते हैं. अभी ट्रू एंड फेयर पे हमारा कंसेप्ट आएगा आगे. ट्रू एंड फेयर व्यू. टू एंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू द ऑडिटर हैज टू सी. क्या देखना है उसे? दैट द असेट्स आर नीदर अंडर वैल्यूड और
overvalued accounting according to the applicable accounting principles. No material asset is. The charge assets पे जो charge है, charge पता है सबको क्या होता है, assets पे जो charge है, यानी अगर कोई asset गिरवी रखा हुआ है तो वो disclosed होना चाहिए. Material should not be. The profit and loss and balance sheet discloses all matters required to be disclosed. क्या ये D हो गया? ठीक है, यहां पर P हो गया. ये accounting principles. Accounting principles have been followed consistently. देखो policies से दो आए, applicable और consistently. ठीक है, उसी चीज की elaboration है ये कि कैसे true and fair view दिया जाता है. All unusual, exceptional and non-recurring items have been disclosed separately. मतलब ऐसे items जो generally नहीं होते, unusual हैं, exceptional अलग हैं and non-recurring in nature. ऐसी transactions बार बार नहीं होती. तीनों का मतलब सेम है, have been disclosed separately. इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बताओगे true and fair view कि कोई भी asset, देखो asset आया ना यहाँ पे, कोई material asset omit नहीं हुआ, कोई liability omit नहीं हुई. जो asset पे charge है वो properly disclosed है. कोई भी asset undervalued नहीं है या overvalued नहीं है. जो disclosed होना था वो disclosed है. Accounting policy acceptably use करी हुई है और consistently use किया है. ठीक है, तो उसी का ये क्या है, elaboration है. क्या professional judgment important होती है for the proper conduct of audit? क्यों important होती है? इंपॉर्टेंट है. हम ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनल जजमेंट इज इंपॉर्टेंट. इसमें अपना आंसर लिखना है हमें. प्रोफेशनल जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जब हम चेक कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि हमने ऑडिट को करते वक्त क्या रहना है, प्रोफेशनल जजमेंट करनी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते वक्त प्रोफेशनल जजमेंट करनी है. धीरे धीरे अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्लानिंग, उसके बाद आएगा इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंटेशन. हर चैप्टर पे क्या हमें जज करना पड़ेगा? यस. ऑडिटर को देखो यहां क्या लिखा है, अभी तुमने पढ़ा नहीं है, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क. मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, यहां पर भी ऑडिटर को क्या लगानी होगी, अपनी जजमेंट लगानी होगी. अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि एवरी फील्ड ऑफ ऑडिटिंग में क्या लगाने की जरूरत आएगी ऑडिटर को, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाने की जरूरत आएगी. जब चार पांच चैप्टर्स हो जाएंगे तब हम ये आराम से कर पाएंगे. बट ये क्वेश्चन कहां का है, चैप्टर वन का है. रीजन बीइंग, प्रोफेशनल जजमेंट की हम बात कर लेते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा यहां पर है. नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना, दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ प्री कंडीशन. किसका है ये? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. रिगार्डिंग वॉन्ट्स टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग, ये कहां पढ़ा था हमने? लहर एमपी में पढ़ा था, रिलेशनशिप में. रिलेशनशिप की एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएशन में क्या यहां पे कहीं पर भी लिखा है कौन सी प्री कंडीशन है? तभी उन वर्ड्स पे फोकस है, कौन सी प्री कंडीशन है जो फॉलो करनी है, ये नहीं लिखा यहां पे. ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन अलग है जो हमने याद किया है उससे. क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखना, ये भी एमटीपी आरटीपी में भी मिलेगा. सीए राज एन एंगेजमेंट पार्टनर, जैसे ही वर्ड आ गया ना एंगेजमेंट पार्टनर, सीधा हम कहां चले जाएंगे, टू 20 पे चले जाएंगे. क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर जो बताया गया है वो सिर्फ टू 20 में ऑडिटर को एंगेजमेंट पार्टनर की तरह यूज किया गया है. वॉन्ट्स टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, विच इंफॉर्मेशन ही शुड ऑब्टेन बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट. ये क्वेश्चन ना तो 210 का है और ना 220 में ये बता रहा है कि ऑडिटर आपको क्या क्या करना है. ये क्या पूछ रहा है कि जब आपको एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है ना, तो ऑडिटर आप किन किन चीजों को क्लाइंट में देखना. ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किन किन चीजों को आप क्लाइंट के अंदर देखना और तब जाके आप कंटिन्यू करना. दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम गलत हो ही नहीं,
कि तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही क्योंकि ऑडिटर ने कुछ गड़बड़ करी है. ऑडिटर ने एक्सेप्ट तो कर लिया, अब वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो क्या देखेगा कि मैम की तरफ से सारी चीजें जो चाहिए थी वो आ रही है या नहीं, मैम का जो की मैनेजमेंट था वो हमें हेल्प कर रहा है या नहीं, मेरी जो एंगेजमेंट टीम है क्या वो मैम का ऑडिट करने के लायक है या मैं उसे कुछ चेंज करूं सो दैट वो बेटर काम कर पाए. दिस क्वेश्चन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीकंडीशंस ऑफ एन ऑडिट. और कि एक्सेप्टेंस, मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया था कि अगर तुम काम गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे को एक्सेप्टेंस अगली बार नहीं मिलेगी. ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम तो अपनी जगह ठीक हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है, तो अब तुम मुझ में क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर रहे हो. पहला पॉइंट देखो, द इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर कौन हुआ, प्रिंसिपल ओनर कौन हुआ, क्लाइंट जिसका मैं ऑडिट कर रही हूं. द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर की एंड दोज चार्ज विद, वॉट आर दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इनको हम बोलते हैं TCWG, अभी आगे आएंगे ये, दोज चार्ज विद गवर्नेंस है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से ऊपर होते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस और ऊपर होते हैं ओनर्स. ठीक है, तो एक तरीके से मैनेजमेंट की हायर लेवल क्या है हमारा, दोज चार्ज विद गवर्नेंस. तो तुमने अगर अगले साल के लिए भी मेरा ऑडिट कंटिन्यू रखना है ना, एक्सेप्ट तो कर चुके हो अगले साल भी कंटिन्यू रखना है तो तुम क्या देखोगे, मेरे में कितनी इंटेग्रिटी है. तीनों आ गए ना लोग, ओनर भी आ गए, की मैनेजमेंट भी आ गई और दोज चार्ज विद गवर्नेंस भी आ गए, कि इन लोगों की इंटेग्रिटी कितनी है. पहला पॉइंट ये एक अलग पॉइंट है जो हमें कोई आंसर से मैच नहीं करेगा, इसको स्टार बना लो क्वेश्चन को. वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कंपिटेंट, और ध्यान से लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथ, इसे कर भी लो. वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कंपिटेंट टू परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट एंड हैज द नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेस. एक्सेप्ट किया था तब भी ये देखा था, अब कंटिन्यू कर रहा हूं तब भी मैं क्या देखूंगा, ये सब बातें देखूंगा. कौन देखेगा, ऑडिटर देखेगा. ठीक है, ऑडिटर देखेगा क्या कि मेरी एंगेजमेंट टीम क्या कंपिटेंट है, क्या उसके पास नेसेसरी कैपेबिलिटी है इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेस, वेदर द फर्म एंड द एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. क्या मैं और मेरी टीम सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मैम के आके फॉलो कर पाएंगे, तभी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट और कंटिन्यू करेंगे मैम के यहां पर एंगेजमेंट. तो पहले तीन पॉइंट कौन से हुए, पहला पॉइंट तुम क्या चेक करोगे, इंटेग्रिटी ऑफ तीन लोग, ओनर्स, की मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस. फिर तुम क्या देखोगे कि क्या मेरी एंगेजमेंट टीम कंपिटेंट है और क्या वो कैपेबल है और क्या उसके पास टाइम एंड रिसोर्सेस सारे अवेलेबल होंगे. थर्ड क्या देखोगे, क्या फर्म और मेरी टीम पूरे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर पाएगी. और लास्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स, ध्यान से पढ़ना है पॉइंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अरिजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप. कोई इसको गेस कर सकता है, तुम मेरे यहां कंटिन्यू करो या ना करो. अब तुम ये बात सोच रहे हो तो तुम ये चीज कैसे बताओगे, क्या बात है ये, तुम जब मेरे यहां कंटिन्यू करना चाहोगे ना तो तुम क्या देख रहे हो, उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को देख रहे हो जो पिछले साल में तुमने मेरे यहां पर देखे और उसका इंप्लीकेशन कि यार मैम क्या काम करना भी चाहिए या नहीं. मैम कह देती हैं कि हाँ सारा क्या देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हम देंगे, लेकिन पिछली बार मैम ने एक्सेस देने में तंग किया था, तो अब सोचो क्या हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं. सिग्निफिकेंट मैटर्स जो उठे थे इस साल करते वक्त, उससे पिछले साल करते वक्त, और उनका इंप्लीकेशन अब क्या आएगा, हम अब काम नहीं कर रहे मैम आपके यहां. तुम्हें डिसाइड करना है, मुझे नहीं डिसाइड करना कि तुम मेरे यहां काम करो या नहीं करो. तुम सोच रहे हो ये बातें किस लिए, कि मैम के यहां हम कंटिन्यू रखें या कंटिन्यू ना रखें. तो चार बातें तुम्हें मेरे यहां पर सोचनी है, या हम एक्स्ट्रा ना नोट्स में लिख भी लेंगे, क्योंकि दोनों ही ये क्वेश्चन दोनों ही बातों से अलग है. ना तो इसमें प्री कंडीशन पूछी गई, ना इसमें 220 पूछा गया. इसमें क्या पूछा गया, एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने के लिए ऑडिटर क्या क्या बातों पर ध्यान देगा. क्या क्या बातों पर दोगे, चारों बता दो, इंटेग्रिटी ऑफ ओनर्स, मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, क्या टीम और मैं, क्या टीम जो है मेरी वो कंपिटेंट है, उसमें कैपेबिलिटी है, टाइम और रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, क्या मैं और मेरी टीम सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी टीम ने यहां पर शेयर्स खरीद ली हो तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा ना. और लास्ट पिछली बार जो सिग्निफिकेंट मैटर्स उठे थे
उनका इम्प्लीकेशन इस बार अच्छा नहीं होने वाला तो मैम का काम हम छोड़ ही दे तो ज्यादा बेटर होगा. तो ये चारों पॉइंट्स अलग हैं जो हमने पढ़ा है उससे. लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपियरेंस आर इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स. क्या ये इंटरलिंक्ड है? इसमें एक ऐसे अपनी तरफ से लिखना है जो हमने सब पढ़ा है कि हाँ सिर्फ माइंड से होंगे तो बात नहीं बनेगी, हमें किससे होना चाहिए, वाय अपियरेंस ऑल्सो, और सिर्फ अपियरेंस से होंगे तो भी बात नहीं बनेगी, हमें वाय माइंड भी होना चाहिए. और एक लाइन में भी लिख सकते हो वेरियस थ्रेट्स जो फेस किए जाते हैं वो कौन से हैं, ये पांचों हैं. ठीक है, अपनी बात लिखे, थोड़ा सा थ्रेट्स के बारे में भी बता दिया. सो ये इस टाइप का, देखो अब ये जो क्वेश्चन आया इसमें गलती होनी ही होनी थी. कोई लिख के आता प्री कंडीशन, कोई लिख के आता 220. तो इट इज बेटर कि जो भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पास्ट में पूछे हैं वो हम सारे डिस्कस कर लें, तो जो भी वैरायटी है वो हमारे सामने आ जाएगी.